दोस्तों जब भी अपने फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम ये नहीं सोचते कि मैं रियल अपना बर्थडे डालूं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपना बर्थडे या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो लीक हो जाए। बट कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है फेसबुक में, तब जाके आपको एहसास होता है कि हमें बर्थडे रियल वाले डालनी होती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे आपके रियल वाला बर्थडे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ आईडी सबमिट करनी होती है, आईडी पे रियल वाली होती है और आप अपने जो फेसबुक अकाउंट बनाते हैं उस टाइम आपने गलत कर रखा है तो दोनों मैच नहीं करेगा तो भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सोच के आप चाहते चलो कुछ टाइम के बाद अकाउंट में आपको बर्थडे चेंज करनी है तो कैसे करना है, देखिए कर सकते हो, इजी तरीका है। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक एरर आती है जो कि लिमिट की एरर आती है, जहाँ पे बताया जाता है कि आप अब यहाँ पे कोई भी बर्थडे चेंज नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है उसके तहत अंदर अंदर एक या दो बार आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। इस तरह की एरर जब आती है उसके बाद भी आपको चेंज करना है, रियल वाली रखनी है, तो फिर कैसे करेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला, प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अपने अकाउंट में जो बर्थडे चेंज करके दिखाऊंगा, मेरी पर्सनली गलत है वो भी मैं चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास जो चेंज करना चाहते हैं लिमिट वाली एरर के बाद भी। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां से मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक जरूर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे वीडियोस आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी कैटेगरी चैनल पे मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस, आज के मोबाइल के स्क्रीन पे आप जाएंगे अपने का जो फेसबुक वाला अकाउंट है उसमें चले जाएंगे। देखिए पहले भी आपको पता है फेसबुक अकाउंट में अगर आप लॉगिन करते हैं तो भी सेम प्रॉब्लम आती है, फेसबुक लाइट में प्रॉब्लम ओपन करते हैं तो भी सेम प्रॉब्लम आती है एरर, और क्रोम ब्राउजर में आप ओपन करते हैं तो भी सेम प्रॉब्लम आती है, तो तीनों जगह सेम प्रॉब्लम ही आएगी। तो आपको बता दोस्तों कि जो भी ये प्रोसेस करनी है वो आपको फेसबुक जो ओपन करना है वो क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है। देखिए लॉगिन तो आप कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, यही प्रॉब्लम है ना। तो एक काम कीजिए ना कि आप क्रोम ब्राउजर में आइए और फेसबुक को आप लॉगिन कर लीजिए, जो फेसबुक जिसमें प्रॉब्लम है, जिस आईडी में प्रॉब्लम है वो आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। तो देखिए मैं फेसबुक यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और मेरी वो वाली आईडी लॉगिन है जिसमें ये प्रॉब्लम है, हालांकि मुझे एरर नहीं दिखने मिली लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता। अब कैसे करना है देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, अपने प्रोफाइल आइकन में जाएंगे, फिर यहाँ पे नीचे चले आएंगे और सी मोर अबाउट योरसेल्फ पे जाना आपको, और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फो में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा बर्थडे और पेंसिल आइकन दिया हुआ है यहाँ पे चेंज करने का, लेकिन क्या प्रॉब्लम आते हैं वो भी दिखा देता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यू कैन चूज फ्रॉम द वन ऑफ द बर्थडे डेट यू प्रीवियसली लिस्ट ऑन प्रोफाइल। मैंने चेंज कर रखा था पहले से, एक दो बार चेंज किया है, तो यहाँ पे मुझे एरर ये देखने को मिल रही है कि आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं जो पहले आपने दो बार चेंज किया है, वही यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नया मैं अगर यहाँ पे क्लिक करने जाऊँ तो यहाँ पे कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। ये है प्राइवेसी के लिए होता है, आपको किसको दिखाना किसको नहीं दिखाना। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर नो चेंज पे हम क्लिक कर, तो देखिए यहाँ पे मैंने 8/28/2004 कर रखा है और 2004 का मैं नहीं हूँ, मेरी ऑफिशियल तो यही है और इसमें भी चेंजिंग है, ये जो डेट है वो भी चेंजिंग है, 25 है और मैंने 28 कर रखा है, और जो लास्ट ये चेंज की थी वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, ये ऊपर 28 अगस्त जो लास्ट मैंने चेंज किया था। मतलब एक बार पहले मैंने स्टार्टिंग में जब अकाउंट बनाया था तो सेम मैंने भी यही किया था कि ये वाले कर रखी थी, फिर मैंने सोचा चलो चेंज कर लेते हैं, तो मैंने गलती से ये करके सेव कर दिया था। तो फिर बाद में ये एरर आई कुछ इस तरह से कि आप दोनों में से चेंज कर सकते हो और कहीं पर चेंज नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है और एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। अब न्यू टैब में आपको काम करना है, यहाँ पे पहले से थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट कर लीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर एरर आएगी, वहाँ पे काम नहीं होगा। तो ये करने के बाद आपको लिंक को पेस्ट कर देना है जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो मैंने पेस्ट कर दिया और कुछ इस तरह से आना चाहिए। अब दोस्तों बता दो पहले कि आपको क्या करना है, पहले उसी ब्राउजर में अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि लॉगिन नहीं करेंगे तो आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा लॉगिन का पेज आएगा। आपको कंफ्यूज हो सकता है कि मेरे तो फ़ोन में लॉगिन का पेज आ रहा है और इनके फ़ोन में डेट का आ रहा है, तो आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है, इस वजह से पहले आपको बता लॉगिन कर लीजिए वही अकाउंट जिसमें चेंज करना है। ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है, इस वजह से मुझे ये इस तरह का पेज देखने को मिल रहा है, वरना आपको लॉगिन का मिल सकता है। अब कुछ नहीं करना आपको, ऊपर यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे जो ये एडिट पे जाना है, जो आपकी जो लिंक है उस पे जाना है, और एक यहाँ पे मैं लिंक यही दे दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ये एम अगर आ रहा है तो www डॉट कर देना है,
अगर एम नहीं है, मैं लिंक यही देने वाला हूँ WW वाले, लेकिन अगर किसी को एम वाला आ रहा है तो ये चेंज कर देना ताकि हमें सही सही हमारा फॉर्म फिलअप हो जाए। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, और फिर रिप्रेस हो जाएगा और फिर यहाँ पे इस तरह का पेज आएगा जो कि मैंने पहले बताया। वो अगर पेज आता है तो वहाँ पे आपको एम देखने को मिलेगा जो डेट वाला, वहाँ पे आपको WW कर देना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। और ये लिंक मैं देने वाला हूँ जो डायरेक्ट यहीं ओपन होगी, मतलब आपको ये वाला ऑप्शन आना चाहिए इस तरह से। बट उससे पहले आपको ये डेस्कटॉप सेट कर लेना है यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे ईयर को चेंज कर लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं 1993, फिर यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं अगस्त, फिर डेट को कर लेते हैं 25। आप ध्यान से देख लीजिए, मेरी वहाँ पे 28 था और 25 है, मैं वो भी बताऊँगा आगे चेंज हो जाएगा उसके बाद। और फिर यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे वही आपको रीजन देना है। अब इस बार सेंड पे क्लिक कर देना है, अब यहाँ पे मैसेज आ जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। थैंक्स फॉर कॉन्टेनिंग फेसबुक, यू शुड रिसीव ईमेल रिस्पॉन्स शॉर्टली। यहाँ पे बताएगा ईमेल पे, अगर आपका ईमेल लिंक है तो आपको ईमेल पे बता जाएगा, लेकिन ईमेल लिंक नहीं है तो फिर 2 से 3 या फिर मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, उसके अंदर चेक कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है और फिर छोड़ देना है, ऐसे ही आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और फिर आप अपने ब्राउज़र में बंद कर लीजिए या फिर कुछ भी आप यूज़ करना है तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये छोड़ने के बाद, मतलब ये करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, 10 मिनट में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है और 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसके काम के हिसाब से, सर्वर के हिसाब से, उनकी टीम के हिसाब से, बट आपको वेट करना है। मैं चेंज कर जो हो जाएगा उसके बाद दिखाता हूँ आप। सर तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद मैं वापस आ चुका अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे आप देख सकते हो 11:05 हुई है। और मैंने जब लास्ट में बताया तो वो जो प्रोसेस किए तो वहाँ पे क्या टाइम हुआ था मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, लेकिन 2 से 3 मिनट हुई है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो वापस हम ब्राउजर में आ चुके, मेल मिला होगा बट वो मेरा मेल है वो दूसरे मोबाइल में लिंक है और वो मोबाइल मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो मैं बाद में देख के आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ, फेसबुक जो अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, वही अकाउंट होगा, कोई और नहीं होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 3 डॉट पे हम क्लिक करते हैं, सॉरी 3 लाइन पे, और यही अकाउंट आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पे जाते हैं, फिर सी मोर अबाउट योर सेल्फ में, फिर नीचे चले आते हैं, फिर यहाँ पे ये देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ चेंज, जो कि यहाँ पे ऊपर ही देखने को मिल रहा है, हमारा यहाँ 28 था वो 25 हो चुका है। और यहाँ पे मैं एडिट पे जाता हूँ फिर से, तो क्या यहाँ पे शो होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे 28 था वो 25 हो चुका है, और अगस्त का वही था और 1993 का वही था, लेकिन यहाँ पे 28 था वो चेंज कर दिया। अगर मैं नो चेंज पे क्लिक करके दिखा देता हूँ तो देख सकते हो, मैं जो पहले बताया कि 28 मैंने कर रखा था, यहाँ पे भी 28 कर रखा था और यहाँ पे 1993 वो सही था, लेकिन 28 जो था वो मुझे 25 करना था। तो वो मैंने जैसे प्रोसेस की 2 से 3 मिनट हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और यहाँ पर हो चुका चेंज। तो कहने का मतलब है कुछ भी यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल रही है लिमिट का वगैरह वगैरह, तो कोई आपको टेंशन लेने कोई बात नहीं है, आप वो वाली प्रोसेस कीजिए, 100% आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।